एस्ट्रोपामिस्ट्री की जिस वेले असं गल करने ये हथेली के 12 घर और उस तो बाद उंगलियां ते 12 बुरूज पड़े जाते हैं। बुनियादी तौर पर 7 स्यारगान और उन्होंने थले 12 बुरूज, हर स्यारे दे 2 बुरज ने वाहत शमसो कमर है जिदा सिंगल सिंगल बुरज है। आई मीन के जिस वेले असी शम्स की गल करने ते उदा बुरज है ल्यू, जिस वेले असी कमर की गल करने ते उदा बुरज है कैंसर सरतान। इस तो अलावा जिन्हें भी बुरज ने उन्हां दे एक मालक और एक मालक दे अगो दो कर हाथ ते जिस वेले असी बगौर मुतालिया करने ते ए साड़ियां 12 पूरा बनदियां ने। और इत्थे अज इंतहाई गैर मामूली और अहम गल दसना यह मकसूद है कि अक्सर फन दशनासी जे गल की जाती है और सिर्फ यूरोपियन करते ने एस्ट्रोपामिस्ट्री से 4 पोरां की बहुत ज़्यादा अहमियत असी नहीं पढ़ते। उहदी बुनियादी वजह यह वे कि यूरोपियन का ख्याल है वे कि जिस वेले उंगली जड़ी है अगर वो दरमियान मुकम्मल तौर पर कट बन के तो इस तरीके लाइन बना दी हो जिस तरह लाइन बनिया ने तो यदा मतलब ये कि एक पोर का इजाफा हो गया। ऐसी बात एस्ट्रोपामिस्ट्री हरगिज़ हरगिज़ नहीं पढ़ी जाती। एस्ट्रोपामिस्ट्री ये गल कहती है कि पोर बुनियादी तौर पर फ्रंट साइड तो नहीं बल्कि हाथ की बैक साइड तो भी पढ़ी जाती है और बैक साइड पर अगर वो 4 गिरा बना दी है तो यदा मतलब है कोई भी उंगली जी है वो 4 गिरा तो मुश्तमिल है। अगर वो अंदर वाली साइड तो 4 गिरा बना दी है तो अंदर वाली साइड तो वो 4 हिस्से तकसीम कर दी है नटे कि उदे ते 4 पोरा पड़ांगे। और हमेशा फने दशनासी जिस वेले भी 4 पोरा की गल की जाती है तो वो फ्रंट साइड तो 4 पोरा पढ़ के गल करते हैं जिहड़ा अमली इलमी और हकीकी एतबार नाल इहदा कोई किसी भी किस्म का कॉन्सैप्ट नहीं बल्कि हुंदा ए वे कि जिस भी उंगली ते अंदर वाली साइड ते 4 पोरा बनदियां ने और जिस महलो वकू ते उन्हां दो हिस्सों तकसीम कर दी है तो वह दो स्यारगान दे इन बिटवीन च एक ऐसा तजाद पैदा कर दी है जिहड़ा शख्सियत बुनियादी तौर पर जज्बाती अफरातो तफरीत पैदा करता। अगे चल के जिस वेले असीं इन्हां पोरां दा मुतालिया करने आ ते इन्हां पोरां दी सब नालों वड्डी खूबसूरती ये कि हर पोर जिहड़ी है ये एक जैसी नहीं होंदी। हर पोर की लंबाई, हर पोर ते गोश्त उहदे ते निशानात बिल्कुल मुख्तलिफ होंदे ने। ये अपने ही हद ते नहीं बल्कि दुनिया के 625 करोड़ लोग ने हुण तक 4 लाख हाथ देखन तो बाद इस नतीजे ते पहुँचे हैं कि हर हाथ दे हर उंगली की साख जिहड़ी है बिल्कुल मुख्तलिफ होंदी है। किसी भी शख्स की 12 उंगलियां की साख जिहड़ी है किसी भी दूसरे शख्स के किसी भी हाथ की साख नाल मुताबकत नहीं रखती। हुण अगे चल के जिस वेले असी इन्हां पोरां दा मुतालिया करने आ ते पता ही लगता है कि हर पोर एक बुरज दे जेरे असर है। आई मीन के उसते एक मुकम्मल तौर पर स्यारे दे असरात ने। और इत्थे ए गल दसनी भी बहुत जरूरी है कि जिस वेले इल्मे नजूम च और ख़ास तौर पर अज का दिन कैसा रहेगा, अज का हफ्ता कैसा रहेगा, अज का महीना कैसा गुजरेगा, इस साल कैसा रहेगा जिस वेले पढ़ने हैं तो उस वेले असी शमसी स्यारगान की गल करने हैं। और शमसी स्यारगान सिर्फ और सिर्फ सिंगल नुकता है नज़र नाल पढ़े जाते हैं और उदे च गल दसी जाती है कि ए शमसी अपालो है, ए शमसी कमर है, ए शमसी सरतान है और ए बुर सरतान जिहड़ा इहदे लई साल कैसा रहेगा। जदों के एस्ट्रोपामिस्ट्री की जिस वेले असी गल करने आ ते एस्ट्रोपामिस्ट्री च असी ये समझने आ कि ए 12 पोरा जिहड़ियां ने इंसान दे अंदर मुकम्मल तौर ते 12 बुरूज की सफात मौजूद होंदियां ने। किसे शख्स च ज़्यादा किसे शख्स च घट उहदा मुतालिया जिस वेले करने आ ते पता ही लगता है कि तुहाडे हथ ते जिहड़ी पोर साफ सुथरी
नीड एंड क्लीन और सारे नालों पुरगोश्त अपने मैवर ते सारे नालों अच्छी नज़र आती है। तो यदा मतलब है वे कि उस शख्स की जिंदगी चे उस बुरज के सारे नालों ज़्यादा असरात मौजूद ने। उस तो बाद जिस वेले असीं दूसरी पोर पढ़ने हैं तो उस तो अगली पोर जिहड़ी है उस तो सैकंड कर दी है, तो उस तो बाद पता चलता है कि उस तो बाद दूसरी जिहड़ी शख्स सिफत मौजूद है वो उस सियारे की है जिस सियारे तो मुतालिक वो उंगली है। इस तरीके नाल इंसान के अंदर पाई जाने वाली सफात जिहड़ियां ने वो सिंगुलर नहीं होंदियां, और ख़ास तौर पर इल्मे नजूम और फने दर्शनासी से अज तक इस गल ते बहुत घट ही नहीं बल्कि पाकिस्तान बिल्कुल बहस नहीं की गई कि किसी भी शख्स के अंदर सिर्फ सिंगल सियारे के असरात नहीं होंगे बल्कि वो अंदर बारह बरूज और सत सियारगान तो अलावा राहु तो केतु के असरात भी मौजूद होंगे ने और जोड़े हथ तो बड़ी आसानी नाल पढ़े जा सकते हैं। अगे चल के मैं दसागा किस तरीके पढ़े जा सकते हैं।